लो निशा, ये अपना आशियाना। आज से इस शहर में हम अपने जिंदगी का नई शुरुआत करेंगे। चलो, एक सर ढकने के लिए जगह मिल गई। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन मैं मायापुरी वाली फैक्ट्री में नौकरी कर लेता हूँ और धीरे धीरे एक अच्छा जॉब ढूंढ लूंगा। और थोड़ा तकलीफ हो तो माइनस करके चलना। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ठीक है, एक काम करो, जाओ हाथ मुंह धो लो और चलते हैं, घर का कुछ सामान लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा निशा, मैं काम पर चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। टाइम से खाना खा लेना और हाँ, घर जल्दी आ जाना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। ठीक। वाओ, सो ब्यूटीफुल, नई पड़ोसन, वो भी इतनी क्यूट, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग भाभी जी, लगता है आप यहाँ पर नई नई आई हैं। वैसे मैं आपका पड़ोसी रवि, बगल में मेरा रूम है भाभी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग लीजिएगा। ठीक है जी। ओके। और भाभी जी क्या हाल चाल है, खाना पीना हो गया? हाँ मेरा हो गया, आप बताओ। भाभी जी मेरा भी हो गया, मैं तो अब फ्री हूँ। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बंदे को याद कीजिएगा। चलिए ठीक है, जरूर बताऊंगा। ओके भाभी जी। ओके। यार अमित, ये भाभी मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है दोस्त? भाभी को देखे बिना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता दोस्त, और भूख प्यास तो लगती नहीं है। कहीं भाभी से मुझे प्यार तो नहीं हो गया है? भाभी की एक झलक देखे बिना मेरे दिल को बेचैनी दूर नहीं होती दोस्त। काश इस भाभी से मेरी एक बार सेटिंग हो जाए, फिर तो मेरी लाइफ बन जाएगी दोस्त। अरे भाभी जी आप, कहिए ना क्या बात हुई, कैसे आना हुआ? अरे देखिए ना, मैं सब्जी बना रही थी और बीच में मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, तो क्या आप अपना सिलेंडर मुझे कुछ देर के लिए दिखा सकते? ऐसी बात कर रही महाराज, आप भी ले जाइए। ये लीजिए सिलेंडर, और भी कुछ चीज चाहिए तो शर्माइएगा मत, बेहिचक मांग लीजिएगा। थैंक यू। क्या ले भाभी जी? बस ठीक, आप बताओ। भाभी जी मैं भी ठीक हूँ। भाभी जी एक बात बोलूं? बोलो। छोड़िए कहीं आप बुरा मान जाएं। अब बोलो भी। भाभी जी आप इतनी सुंदर हो, आप इतनी क्यूट हो, और आपके पति वो रामू, आपकी और रामू की जोड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जमती है। आपकी उम्र और रामू की उम्र में धरती आसमान का फर्क है भाभी जी। अरे नहीं, वो भी बहुत सुंदर थे, बट फैक्ट्री में काम करने की वजह से वो ऐसे हो गए। चलिए छोड़िए, आइए बैठे कुछ बात करते हैं। क्या हुआ बोलो? भाभी जी एक बात बोलो, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है, आप किस मदमस्त जवानी ने मुझे पागल कर दिया है, आप ही हो मेरे दर्दे दिल की दवा। भाभी जी ये क्या कर रहे हो, मैंने तो आपको अच्छा समझा था। भाभी जी मैं तो अच्छा ही आदमी हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश तो करो, आपकी इस खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी भाभी जी इस दुनिया में रखा क्या है, इस चार दिन की जिंदगानी में मौज मस्ती कर लो। मुझे तो नहीं लगता है कि वो झंडू सा रामू आपकी इच्छाएं भी पूरी करता होगा। रवि जी वो जैसा भी है मेरा पति है, और मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। भाभी जी मैं कब बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ भाग चलो, या आप अपने पति को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप अपने पति को भी ख्याल रखो, और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी ध्यान दे दोगे तो बोलो क्या घट जाएगा। खबरदार, वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकती।
तो क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं या फिर पागल हो जाऊं? अगर जो मेरी बातों को नहीं मानोगी ना, यहीं पर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लूंगा, फिर जिम्मेदार तुम दोनों होगे और जेल में जाओगे। भाभी जी, मेरे आप दिमाग दिलो और दिमाग में बस चुकी हो। मैंने अपने पति के अलावा किसी और के साथ ऐसा नहीं किया। प्लीज मान जाओ ना एक बार। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। भाभी एक बार। ठीक है, लेकिन हम दोनों की बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं काम पर जा रहा हूं, दरवाजा बढ़िया से बंद कर लेना। निशा, 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 क्या हो गया निशा, इतना घबराई क्यों? वो सब छोड़िए, आज आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से। क्या बताऊं, सुबह से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा सर दबा दो। तुम मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज, तुम्हारा गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले और मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को मालूम पड़े मेरी बीबी ऐसी है। और आज ही ये रूम यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, तैयार रहना। हेलो रवि। निशा कैसी हो तुम? तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा है यार, तुम्हें देखे हुए भी कई दिन हो गए, मैं कितना बेचैन हूँ तुम्हें देखने के लिए। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत बेचैन हो रही हूँ, प्लीज नए वाले घर पे आ जाओ ना। सुनो, तुम अपने नए वाले घर का पता मुझे व्हाट्सएप करो, मैं अभी आ जाता हूँ।
ठीक है, मैं बस अभी करती हूँ तुम्हें। ओके ओके बाय। अरे जान मेरी स्वीट हार्ट, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली आई हो बताओ ना। तुम्हारे बिना कितना बेचैन हो गया हूँ। अब तो मेरा भी जी नहीं लगता तुम्हारे बिना। आज मैं तुम्हें देख लिया ना, लग रहा कि चांद का दीदार हो गया। अब तुम जाओ। सुनो ना, जाने को तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। लेकिन सुनो, फोन करके फिर मुझे बुला लेना, ठीक है? ओके। ये रवि यहाँ पर क्या कर रहा था? तुम तो उस दिन पैर पकड़ रही थी, हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी कि आज से उसे मिलना जुलना छोड़ दूंगी। ये क्या है? हेलो हेलो रवि। हाँ निशा, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही चलता रहे तो तुम्हें रामू को रास्ते से हटाना होगा। अरे निशा, तुमने तुम्हारी मुँह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। हम दोनों के लिए अब रामू को जिंदा रहना ठीक नहीं है। रामू अब मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा है। ठीक है ठीक है, जैसा बोलोगे वैसे प्लान कर लूंगा। ओके। निशा बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लगा दो। मेरे पेट में बहुत दर्द है इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। पेट में दर्द है? रुको मैं मेडिकल जा रहा हूँ और दवा लेकर आता हूँ। अब यही मौका है रवि को बुलाने का। हाँ निशा। हेलो रवि, आज बहुत अच्छा मौका है, जल्दी मेरे घर आ जाओ। अच्छा अच्छा अभी आया मैं। तुरंत आराम हो जाएगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सो रहा हूँ। ठीक है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुम दोनों से मैं अपनी जिंदगी का भीख मांगता हूँ। आज से तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मरना ही होगा। मेरे बूढ़े बाप का अकेला सहारा हूँ मैं, और मेरी एक बहन है जिसका शादी मुझे करना है। और अगर मैं मर गया तो तुम बताओ निशा, मेरे परिवार का देखभाल कौन करेगा? मुझे छोड़ दो निशा, मैं तुमसे
तुम हमें दूर करना चाहते थे ना, अब तुम्हें दूर होना होगा। बूढ़ी, हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर, मैं जवाहर पार्क से बोल रहा हूँ। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे। सर, जी सर, इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और इस केस का तब्दील शीघ्रता करो। जी सर। हवलदार, क्या खबर लाए हो? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। बंदे की हत्या गला दबाकर हुई है और बंदे की पहचान भी हो गई सर। आओ चलो मेरे साथ। जी सर। तू रवि? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चल बेटा, तेरी आस की तो मैं थाने में निकालता हूँ। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया। तू क्या नाटक दिखा रही है? बंद करिए मगरमच्छ का आंसू। चल चल बेटा, तू चल चल। सर मैंने कुछ नहीं किया। चल तू चल। क्या बात है उमेश, क्या तूने केस सोल्व किया? रामू की बीवी निशा ही हत्यारे निकली। जी सर। और उसका यार रवि। जी जी। वो तो गला ही दबा के मार दिया। जी। ये तूने कैसे किया? सर मैंने ये अपनी तफ्तीश से किया। डेड बॉडी के पास उसके फैक्ट्री का विजिटिंग कार्ड और उसके मोबाइल से पूरी डिटेल लेके थोड़ी सी सख्ती पेश की और सर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। फिर तो उन दोनों को इस केस में उम्र कैद ही होगी। बिल्कुल सर।